ये कौन सा बात हुआ है? ये दूसरा रेड रेड एंड कलरफुल जैसा है, ब्लैक है ना, ब्राउन भी है, पिंक भी है, ब्लैक भी है। अच्छा ये काला बात हुआ है, ये काला बात हुआ है। इसका क्या बात है? क्या बात है? इसका सब कुछ बनता है, इसका रोटी बनती है और इसको उसमें यूज करते हैं। पेस्ट चटनी लड्डू बनते हैं उसकी, जैसे बनाते हैं। अच्छा लड्डू, हाँ ठीक है, जैसे खीले के लड्डू होते हैं। और ये क्या है? ये सौंप है, सौंप। अच्छा ये सौंप है, चाय की पत्ते। अच्छा ये सौंप, मीठी सौंप, मीठी सौंप, मीठी सौंप। और ये फूलते हैं, दिखाना फूल। ऑर्गेनिक फूड ये भी ऐसी निकलती है, ये बंजीरी किस लिए होती है? इसकी चटनी बनती है, इसका वो डालते अंदर में सीडू के अंदर। अच्छा पेस्ट, पेस्ट दिख रहे हैं ना? खुशबू भी अच्छी, खुशबू भी इसकी बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू इसकी। पूरा होता ही ऐसा इसको, ये पौधा होता है इसको, फिर झाड़ते हैं ना, झाड़ते हैं, खली में करते हैं इसको, क्या किस्म करते हैं? चटनी बनती है इसकी, चटनी बनती है सिड्डू के लिए, पेस्ट बनता है सिड्डू, बनते हैं जो पहाड़ी सिड्डू। और ये दाल होगी पहाड़ी मिर्ची, काली क्यों हो गई है ये? कुछ अभी, अच्छा पहले काली बनेंगे फिर हरी बनेंगे फिर लाल बनेंगे। अच्छा अभी ये जो हरी है ये काली बनेगी, अच्छा ये काली है पहले, अच्छा फिर हरी बनेगी फिर लाल बन जाएगी, लाल बनने लगी ये। हाँ ये बीन्स है, ये देखिए कितना फैला है। अच्छा क्या फैला? अभी भी हो रहे टमाटर, सीजन खत्म हो गया ना, ये छोटे छोटे लगे। ये क्या है? ये प्याज है, इसकी मुझे प्याज है। ये रात के लिए बोरी 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 बोरी, ये रे मूली है, काय मूली, ये रे तेरे पैर के पास बोरी, ये मूली है। जाएंगे पहाड़ी करेले के पास, सुबह पे पहाड़ी करेले लग रहे हैं। ये है घास की टोली, घास काट के यहाँ पे ऐसी टोली लगाते हैं, फिर ये घास बिकता भी है, जिनके गाय नहीं होती वो ये घास बेच देते हैं, जिनके गाय होती है तो वो लेके जाते हैं इस घास को। ऐसे लोग बहुत लंबी लंबी टोली लगाते हैं, छोटी टोली लगाई है। हम
आपको पहाड़ी करेला दिखाएंगे। ये यहाँ पे है पहाड़ी करेला, ये होता है पहाड़ी करेला, कांटेदार छोटे छोटे कांटे होते हैं इसमें, और ये मीठे करेले होते हैं, मतलब मीठा करेला होता है ये, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी करेले होते हैं पहाड़ी करेले। देखिए इसमें छोटे छोटे कांटे दिखेंगे, और इसके अंदर जो बीज होते हैं काले बीज होते हैं, काले काले बीज होते हैं इसके अंदर, जब बनाएंगे तब कटेगा। बीज खोल के दिखाएंगे, इसको खोल के इसके अंदर काले बीज होते हैं, ग्रीन काले पकने के से, ये देख ये हैं काले बीज इसके अंदर। हम इसे ऐसे फेंक देंगे ताकि और करेले यहाँ पे हो जाए। तो ये भी नया लगा है एप्पल का ट्री, ये है कुआं, ये आड़ू का पेड़ है कुएं के साथ, ये है पियर, ये देखो आपको दिखेगी, बाकी नाशपाती तोड़ दी है, कुछ कुछ इसमें रह गई है, वो ये है नाशपाती, बहुत ही टेस्टी नाशपाती, बहुत ही जूसी नाशपाती होती है, इससे कई लोग गोशा भी कहते हैं, गोशा हम उसको नाशपाती कहते हैं। ये है नाशपाती, और नीचे भी है एक पेड़ नाशपाती। ये है शक्करपारे के पेड़ है, खुरमानी के पेड़ है, प्लम है, बाकी ज़्यादातर एप्पल है। ये शक्करपारे का है, ये शक्करपारा है, नीचे ग्रीन ग्रीन ये है खुरमानी, इस साइड को प्लम है, प्लम के भी काफ़ी पेड़ है। ये जो कुआँ ये बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना कुआँ है। मेरे दादा के दादा के दादा के दादा बहुत पुराना कुआँ है। एक ये है, एक उस साइड है एक, ये दो कुएँ जो बहुत पुराने खानदानी कुएँ बोल सकते हैं, बहुत पुराने कुएँ। अब हम इसमें नहीं जाते, जब हम छोटे होते थे तब हम इसमें गए हैं। अब ये बहुत ही गंदा हो गया, मट से भर गया पूरा, तो हम छोटे होते तब इसमें हम जाते थे, ये बहुत गहरा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं जाते थे, हम बस ये जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स है, ये बस हम इतना ही जाते थे, ज़्यादा हमको नहीं जान देते थे क्योंकि बहुत ही गहरा है इतना, हम वो भी जिद करके इतना मम्मी डैडी के नज़रों के सामने इतना सा थोड़ा सा चले जाते थे, बाकी इन्हें भी बहुत गहरा कुआ है, बहुत गहरा, बहुत ही पुराना है। ये है पहाड़ी आलू, ये देखो कितने प्यारे आलू है, जमीन से निकले हैं आलू, इसमें है सारे जमीन के अंदर आलू, और अच्छा ये सारा आलू लगा रखे यहाँ पे, हमने यहाँ इकट्ठे करके रख दिया आलू, ये सारा आलू है, सब में आलू लगे, सेब के पेड़ नीचे आलू लगा रखे हैं, इसमें आलू निकलेंगे। खा सकते हैं ना, मिट्टी से फ्रेश फ्रेश निकाल के भून के, बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी लगते हैं भून के, चूल्हे के बीच भूनो, राख के बीच भूनो, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये पुदीना है बीच में ना लटका हुआ, पुदीना है,
ये सारा पुदीने है। इसी में सूख गए पेड़ में सेब। डैडी इसको खाते हैं फिर? नहीं खाते, ऐसे भी तो सुखाते ना अलग से, ऐसे सुखाते हैं, माला बनाते सुखा के। ये सड़ गए अब, बाकी अलग से भी सुखाते हैं, गोल्डन एप्पल को सुखाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, अलग से माला बना के इसको सुखाएंगे और फिर खाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। मैं सुखाई नहीं है तो मैं दिखा देती, नहीं है ये एप्रिकॉट का ट्री, ये एप्रिकॉट भी नहीं लगी है, मई जून के सीजन में इसमें एप्रिकॉट लगती है, इनको खाते हैं सुखाते हैं, सूखी चिली बन जाती है, बहुत टेस्टी होती है।